हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक समरी यूट्यूब चैनल हिंदी बुक वाई में। क्या आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, लेकिन कभी नहीं सीखते जो आप खुद से वादा करते रहते हैं कि आपको कोई नई हॉबी सीखने का समय मिल जाएगा या कोई नई स्किल, लेकिन इन सब के लिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इस बुक में आप सीखेंगे कि आप एक नया स्किल कैसे जल्दी सीख सकते हैं, या फिर आप कॉलीग्राफी लिखना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी बुक वाणी के साथ। ऐसे कई स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब सीखने के लिए आपको अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी नई स्किल जल्दी सीख सकते हैं। केवल 10 नियम जानने होंगे। ये 10 नियम आपको गाइड देंगी कि आप अपनी शुरुआत के पहले 20 घंटे कैसे काम कर सकते हैं। बहुत सरल और आसान भी है। वे सभी हमारे जैसे कुछ सीखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास समय की कमी भी है। उनकी बुक शेल्फ पर कई बुक्स हैं, वे व्यस्त हैं। उन्होंने एक सूची तैयार की है जिसमें वे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और कौन सी स्किल्स सीखने की इच्छा रखते हैं। जॉर्ज के पास बहुत सारा शानदार इतिहास है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता कि इस इतिहास को वास्तविकता में कैसे बदल सकते हैं। मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं गोल्फ और रॉक क्लाइंबिंग खेलूंगा, लेकिन मैं इसे कभी भी नहीं कर पाता। अब आपको यह सोच रहा होगा कि हे, वह मेरे जैसा है। नहीं, स्किल्स विकसित करना बहुत निराशा होती है। इसके लिए आपको बहुत अभ्यास करना होगा, और ऐसा लगता है कि इसके लिए साड़ियां पहननी होगी। एक रिसर्च के अनुसार, अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे बनना चाहते हैं, तो आपको लगभग 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप समझना चाहते हैं कि यह कितना समय होता है, तो समझिए कि यह लगभग एक फूल के समय को 5 साल कम करने के समान है। इसलिए हाँ, यह वाकई मुश्किल होता है, लेकिन वापस जाने से पहले एक बात जान लें। एरिक्सन के 2 स्टडीज एक्सपर्ट लेवल परफॉर्मेंस से संबंधित थे। वे ऐसे लोग थे जो बचपन से ही किसी न किसी चीज का अभ्यास कर रहे थे। इसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहा जाता है, यानी यह 10,000 घंटे का नियम केवल उन लोगों पर लागू होता था जो अपने अपने फील्ड्स एक्सपर्ट्स थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी स्किल्स को सही लेवल तक सीखें, तो क्या अगर आपको गोल्फ खेलना सीखना है, तो जितना आप इसे अपने दोस्तों के साथ खेलने और मजा करने के लिए सीख सकते हैं, तो क्या आप खुश होंगे जानकर कि तब आपको बिल्कुल भी 10,000 घंटे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो आपको 20 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। तुलना में 10,000 घंटों के साथ यह 20 घंटे बहुत कम है, क्या नहीं? इस बुक के अनुसार, किसी स्किल को सीखना यह मतलब नहीं है कि आपको प्रो बनना है, बल्कि एक स्किल को इतना सीखें कि आप उस स्किल को ठीक से सीख सकें। क्या स्किल को सीखने और स्किल को मास्टर करने में फर्क है? जोश ऑफ की माँ हाई स्कूल में स्पेनिश सिखाती थी। कॉन्फिग्रेशन और आम पहले ताजा आते थे, लेकिन अब वे स्पेनिश में बातचीत करके 5 सेकंड के लिए भी नहीं टिक सकते। जोश के दोस्तों में से एक दोस्त था जो स्पेनिश बोलता था, और वह इंग्लिश बोलना सीखना चाहता था, लेकिन उसने कोई भी इंग्लिश क्लास नहीं ली, बल्कि वह इंग्लिश कैसे बोलनी है वह सीख लिया। उसे नहीं पता था कैसे, लेकिन अब वह इंग्लिश बोल सकता है। कार्लोस हमेशा इंग्लिश में लोगों के साथ बातचीत करते रहे। इसलिए आप केवल सीखकर ही किसी स्किल में जीनियस नहीं हो सकते, लेकिन इसके लिए आपको कार्लोस की तरह बहुत प्रैक्टिस करना होगा। और माँ के पीरियड पैशन का सलाह है कि जब आप ये कदम उठाएं, फिर पता लगाएं कि इस दौरान आपको कौन सा पैशन टोन सीखना है।
अगर आपके पास कुछ समय के लिए कोई पैशन है तो आप उसे बड़े पैमाने पर सीखने के लिए अपनी जान दे देते हैं। अब आप सोचेंगे कि इन टिप्स का होना तो जाहिर सी बात है, बात जो वास्तव में मामला है, लेकिन केवल इन स्टेप्स को जानना पर्याप्त नहीं है। अब तुम्हें भी प्रैक्टिस करना होगा। देखें, यहाँ पर हैं 10 कदम जिनके माध्यम से हम जल्दी से किसी स्किल को सीख सकते हैं। पहला कदम है, आपको अपने बहुत पसंदीदा प्रोजेक्ट को चुनना है। इसके लिए आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट चुनना होगा जिसके लिए आपको बहुत उत्सुकता होना चाहिए कि आप स्किल सीखना चाहते हैं। ऑथर कहता है कि उन्हें चाहिए था कि वह चीनी मैंडरिन लिखना सीखें, लेकिन उनके पास इसे सीखने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी ऊर्जा और प्यार को किस्से में डालने का डिसाइडेड लिया। एक मजबूत इच्छा के साथ जीना एक रणनीतिक बोर्ड गेम है जिसकी जड़ें चीन में हैं, क्योंकि अब ऑथर को इसे सीखने की अधिक इच्छा थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि पहले वह इसे सीखेंगे, बाद में छोड़ देंगे। उन्होंने जान लिया कि अगर आपके पास सीखने के लिए समय है तो आप बाद में तेजी से सीख सकते हैं। आपकी ऊर्जा का माध्यम आप हैं। एक ही स्किल पर ही ध्यान केंद्रित करें, समय के साथ तेजी से सीखने के लिए। ऑथर ने अपने जीवन में कई बार वही गलती की है, लेकिन उनमें से बहुत सारी स्किल सीखने के दीवाने हैं। वे इतना समय व्यक्त करते हैं कि इन स्किल्स के बीच बदलते रहते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ भी सीखने का कोई फायदा नहीं होता। आपको अपना समय एक ही कौशल पर ध्यान देने और एक ही समय में एक ही कौशल पर केंद्रित करना होगा। अगर आप अपना समय और ऊर्जा सीखने में बर्बाद करते हैं और एक ही समय में स्विमिंग, सिलाई और 10 और कौशल सीखने का प्रैक्टिस करते हैं, तो यह सब व्यर्थ होगा। एक कौशल को सुधारने के लिए आप जितनी ध्यान और दिनचर्या दे सकते हैं वह काफी नहीं होगी, इसलिए बस एक कौशल का चयन करें। बुक गेटिंग थिंग्स डन में डेविड एलेन इस अद्भुत दृढ़ता के लिए एक सुझाव देते हैं। यदि आपको एक ही स्किल पर ध्यान केंद्रित करने में मदद चाहिए तो उन चीजों की सूची बनाएं जो आप कभी कभी कर सकते हैं। उन चीजों को वो बड़ी चीजें में लिखें जो आप करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। फिर आपके दिमाग को समझ में आ जाएगा कि इन सभी चीजों का हॉल स्थिति पर है। इस तरीके से आप अब उनके बारे में सोचने नहीं बल्कि उस समय और फिर उत्तर नया होगा। यदि आप किसी स्किल को सीखना चाहते हैं, तो केवल आपका दिमाग उसे हॉल स्थिति से एक्टिव स्टेटस में बदल सकता है, तो बताएं कि आपका टारगेट परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा। इसे करने के लिए आपको खुद से पूछना होगा कि मैं इस स्किल में कितना अच्छा बनना चाहता हूँ। आप इसके लिए कितना टाइम और एफर्ट खर्च करने के लिए तैयार हो, फिर आप आसानी से उस स्किल को मास्टर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, तो आप गिटार में एक गाना बजाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आपके पास केवल एक गाना ही क्यों ना हो। आप गिटार बजाना जानते हैं, लेकिन आप सबको साबित कर सकते हैं कि आप गिटार बजाना जानते हैं। आपका टारगेट परफॉर्मेंस लेवल जितना अधिक आरामदायक होगा, उतनी ही तेजी से आप किसी भी स्किल में महारत हासिल कर पाएंगे। 4 स्किल्स को सब स्किल्स में डिवाइड करें। इसे संभालने के लिए हम स्किल को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आइए गोल्फ को एग्जाम्पल के रूप में लें, यह जानने के लिए कि आप किस क्लब में खेलना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप खेलते हैं तो ट्रैक, बॉडी की सही स्थिति आदि भी जान लेते हैं। यदि आप इस स्किल को अलग अलग डिवाइड करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सा फैक्टर सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य कॉम्प्लिकेटेड और तकनीकी चीजों में आप बाद में भी सीख सकते हैं। हमेशा 5 टूल लाना याद रखें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं।
कि सिर्फ सीखने से हम कोई भी हुनर नहीं कर सकते, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आपके पास टेनिस रैकेट नहीं है तो आप टेनिस का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बास्केटबॉल खेलने के लिए आपको सबसे पहले एक गेंद की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको उन आवश्यक टूल्स की आवश्यकता होगी। पहचानें कि आपको क्या प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से आपका समय बचेगा। सिक्स, प्रैक्टिस में आने वाली हर बाधा को दूर करें। जॉर्ज कॉफमैन ने किसी स्किल की प्रैक्टिस करने में तीन बाधाओं की पहचान की है। पहली बाधा संसाधन उपलब्धता है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस के लिए जो टूल चाहिए वह उपलब्ध नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, बर्फबारी के कारण मैदान बर्फ से धुल गया है, या आपके पास जो टूल हैं वह किसी और से लिया गया है। दूसरी बाधा पर्यावरण में विनाश है। जो चीज आपको प्रैक्टिस करने से रोक रही है वह है आपका फोन देखना, टीवी देखना या अपना ईमेल देखना। यह सब पर्यावरण निष्कर्षण कहलाता है। अंत में तीसरी बाधा आपकी भावनात्मक रुकावट है। जब भी आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए एक डेडिकेटेड समय होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या हमारी टालमटोल की आदत को कम करने की चाहत में है। हम खुद से इसे कम करने का वादा करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे कम नहीं कर पाते हैं। हम भटक जाते हैं। हमारा फोन या हम किसी को अपनी दोस्त बना लेते हैं। यदि आपके पास वास्तव में कोई स्किल है तो आपको इसके लिए समय निकालना होगा। हाँ, आपके पास अन्य जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी आप स्किल की अभ्यास करने के लिए अपने दिन से कुछ मिनट निकाल सकते हैं। यह लोगों के लिए है। आप अपना वक्त कैसे बिताते हैं? आपको बैठना चाहिए और लिख लेना चाहिए कि आपने अगले कुछ दिनों में क्या किया। ऑथर ने वैसा ही किया और यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि वह एक स्किल पर बहुत अधिक समय खर्च कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए पहले से वादा करना भी आपको अभ्यास करने के लिए एनकरेज कर सकता है। आपको अपने आप को 20 घंटे के प्रैक्टिस के लिए प्रेरित करना होगा। अगर आप खुद से ऐसा वादा करेंगे तो आसानी से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए खुद से कहते रहें, सिर्फ 20 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो बात खत्म हो जाएगी। 8, आपको एक लूप बनाना होगा ताकि आप तेजी से फीडबैक प्राप्त करते रहें। तेजी से फीडबैक प्राप्त करके आप तेजी से स्किल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या सीख रहे हैं और यह सही है या नहीं, तो आपके शिक्षण में देरी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में तेजी से फीडबैक मिलता है और आगे बेहतर करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। इसके अलावा एक कोच तेजी से फीडबैक देने में भी मदद करता है। अगर आप कभी कोई गलती करते हैं तो वे आपको तुरंत बताएंगे, और अगर आपके पास कोई कोच नहीं है तो आप प्रैक्टिस करते समय अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ आप वीडियो देखकर खुद से कह सकेंगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है या गलत है। घड़ी को देखकर कम समय के साथ प्रैक्टिस करने के लिए डर होता है। कौशल प्रैक्टिस की शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत समय लग रहा है। धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको लगेगा कि आप बहुत डर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि आपने केवल 5 मिनट बिताए हैं। इस समस्या को हल करने के लिए आप टाइमर का उपयोग कर सकते हैं। इस टाइमर की मदद से आपने केवल 20 मिनट का प्रैक्टिस सत्र बनाया है, लेकिन इसके साथ ही खुद से वादा करें कि जैसे ही टाइमर शुरू होता है आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और 20 मिनट बीतने तक नहीं रुकेंगे। उसके बाद आप 10 मिनट की छुट्टी ले सकते हैं और फिर से प्रैक्टिस के लिए टाइमर शुरू कर सकते हैं।
यह बनाया जाना चाहिए कि आपको इसे जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, लेकिन इसी बीच आपको सुधार पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको नहीं भूलना चाहिए कि आपको खुद के लिए स्किल की प्रैक्टिस निरंतर रूप से करना होगा। सीखना ही काफी नहीं है, बल्कि सीखना इसका बड़ा हिस्सा है। अपने स्किल की प्रैक्टिस करने से पहले आपको रिसर्च करना चाहिए। इसका अनुसरण करके आप अधिक समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। रिसर्च करके आपको यह भी पता चलेगा कि आपको पहले कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। अपने लक्ष्य को प्रभावी तरीके से सीखने के लिए यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका आपको पालन करना होगा। स्किल और रिलेटेड टॉपिक्स पर रिसर्च करें, या तो इंटरनेट पर खोज करके या किताबों की दुकान से लाकर। आपके रिसर्च के लिए कम से कम 3 सोर्सेज होने चाहिए। आपको इन बुक्स या मैनुअल्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आपको इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इन सोर्सेज को थोड़ा समझना होगा। एक बार जब आप इन्हें समझ जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि इन विचारों में से कौन से विचार बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। यह बहुत बार किया गया है, इसका मतलब हो सकता है कि इस विचार या स्किल की प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आपने पहले से ही रिसर्च किया है। इसलिए अब आपको पता होगा कि आपको किन कारकों पर अधिक ध्यान देना है। ऐसे मामले में किया जा सकता है कि आप बहुत कुछ नहीं जानते। अगर आपको भ्रम है तो यह भी आपको स्किल की प्रैक्टिस करने से रोक सकता है। शायद आप किसी शब्द या किसी प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई रिसर्च नहीं करने की आवश्यकता है। चाहे आपको बात की समझ न हो, उसे बात करके न भेजें, लेकिन अगर आपको किसी बात के अर्थ का समझ नहीं आता है तो अगली बार उसमें रिसर्च करें और फिर अगले प्रैक्टिस में उसे लागू करें। समझो लेकिन कम करो। जितना कम भ्रम होगा उतनी जल्दी आप सीखेंगे। आपके विचारों के 2 मेंटल मॉडल्स और मेंटल बुक्स। आपको इन मॉडल्स को अपने साथ रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आपको तेजी से सीखने में मदद करेगा। इन मानसिक मॉडल्स की मदद से आप किसी चीज और विचार के बीच का संबंध समझ पाएंगे। साथ ही आप उन लोगों को भी समझा सकेंगे जिन्हें किसी विचार का कोई संदेश नहीं है। जैसे कि एक बार ऑथर ने अपने पिता को एक वेबसाइट बनाने में मदद करने की कोशिश की। ऑथर को अपने पिता को वेबसाइट की प्रक्रिया समझाने में बहुत कठिनाइयां आई, क्योंकि उनके पिता को किसी शब्द को समझने की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन एक शब्द सर्वर कई बार सामने आया। फिर जब जॉश के पिता को सर्वर का अर्थ समझ में आया तो उन्होंने आसानी से वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया को समझ लिया। विपरीत मानसिक हक उपमा और रूपक का उपयोग करता है ताकि आप नए विचारों को समझ सकें। यदि आपको सर्वर का अर्थ नहीं पता है तो याद रखें कि लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन को जब आप किसी विशेष बुक के लिए पूछते हैं तो उन्हें पहले बुक को ढूंढना होता है। अगर उन्हें वो बुक मिल जाती है तो वो आपको देते हैं, लेकिन अगर वह नहीं मिलती है तो आप समझते हैं कि बुक क्यों नहीं मिली। एक वेब सर्वर भी वही काम करता है। जब आप किसी पेज की तलाश कर रहे होते हैं तो सर्वर उसे आपके लिए ढूंढ लेता है। यह वेब पेज देता है और यदि नहीं मिलता है तो सर्वर बताता है एरर 404 पेज नहीं मिला। 4 आप जो चाहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत सोचें। यह तकनीक है जो एक समस्या निवारण तकनीक है। यह आपको आवश्यक चीजें सीखने में मदद करेगी। जैसे मान लीजिए कि यह एक गतिविधि है जिसमें आपको पानी से भरी तेज बहती नदी के पानी के बीच में कश्ती को चलाने का काम दिया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप सब कुछ गलत करते हैं तो क्या होगा। आप अपनी कश्ती पलट सकते हैं और आपका सिर डूब जाएगा। आप कश्ती में पानी भी भर सकते हैं जो शायद आपको ले डूबेगा।
आप कश्ती से गिर सकते हैं और डूब सकते हैं क्योंकि नदियां बहुत तेज हैं। बाकी है ये सब कमाल कर रहा है। आपको पता चल जाएगा कि इन खतरनाक परिस्थितियों से खुद को बचाने के लिए आपको क्या सीखना होगा। प्रक्रिया धीमी होगी। अभ्यास करने से पहले टीवी और फोन जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक विकर्षणों को हटा दें। केवल वही टूल करें जो आपकी प्रैक्टिस, आपके पारिवारिक मित्रों और आपकी कंपनी, आपके जैविक विकर्षणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपके प्रैक्टिस सत्र को कम करते हैं। उन्हें परेशान मत करो। तो आपको उन्हें पहले ही बता देना चाहिए कि आप प्रैक्टिस के समय मौजूद नहीं होंगे। 6 को याद रखने की आपकी क्षमता को मजबूती से बढ़ावा देना चाहिए। हमारा दिमाग हमेशा बहुत सारी जानकारी को ग्रहण करता है, यह कभी भी पूरी तरह सही नहीं होता। यदि आपको कुछ जानकारी याद रखनी है तो आपको इसे मजबूत करने की आवश्यकता होती है ताकि यह आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में संग्रहित हो। यदि आपके पास किसी चेकलिस्ट को कम करने का कोई तरीका हो तो प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाता है। आप हमेशा याद रख सकते हैं कि आपको क्या प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और स्कैफोल्ड आपको याद दिलाता है कि आपको हमेशा एक ही तरीके से किसी स्किल को निबटना होता है। स्कैफोल्ड का एक शानदार एग्जाम्पल है बास्केटबॉल खिलाड़ी, जो हर बार जब वह बॉल फेंकता है तो उसने अपने कंधों को ढीला किया होता है और लंबी सांस लेता है। अपने बायोलॉजी की सुनो। अगर आपके शारीरिक और मानसिक तनाव आपको प्रैक्टिस करने से रोक रहे हैं तो आपको बंद करना चाहिए। द पावर ऑफ फूल्स एंगेजमेंट बुक टोनी स्वार्ट्स के अनुसार हमारा मन और शरीर किसी चीज पर पूरी तरह से 90 मिनटों के लिए ही समर्पित हो सकते हैं। जैसे ही 90 मिनट पूरे होते हैं आपका मन और शरीर आपको थक देते हैं। इसी प्रकार जब आपको लगे कि प्रैक्टिस करने के लिए 90 मिनट बहुत लंबा है तो आप इसे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। आप 20 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आप 10 मिनट की छुट्टी ले सकते हैं और छुट्टी के बाद फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस किताब से शुरुआत के पहले 20 घंटों में सीखने के तरीके के बारे में आपने कैसे किसी भी स्किल को कर सकते हैं। आपको 20,000 घंटों की तलाश में समय नहीं बिताना होगा क्योंकि केवल एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर को इतना समर्पण और प्रयास करना पड़ता है। यदि आप एक नई शौक आना आपने यह भी सीख लिया है कि स्किल सीखने और सिर्फ सीखने में क्या फर्क है। स्किल को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रैक्टिस करना सीखने के लिए आवश्यक है, लेकिन स्किल को किसी भी कौशल को अच्छी तरह से सीखने के लिए आपको 10 प्रिंसिपल्स का पालन करना होता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट चुनें जो आपको बहुत पसंद हो। 2 अपना फोकस केवल स्किल्स में ही रखें। 3 आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपको अपने परफॉर्मेंस को किस लेवल तक पहुंचाना है। 4 सभी स्किल्स को सब स्किल्स में बांटें ताकि आप अधिक से अधिक चिंतित न रहें। 5 प्रैक्टिस शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार करें। 6 वह सब चीजें तोड़ दें जो आपको परेशान करती हैं। 7 कम से कम 20 घंटे एक साथ बिताने का वादा करें। 8 फटाफट फीडबैक ले। 9 20 घंटे को छोटा छोटा 20 मिनट में बांट दो। 10 स्पीड और क्वांटिटी को लक्ष्य बनाओ। आज के समय हम किसी भी जानकारी को एक क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। इस लाभ उठाएं और वह सभी स्किल्स सीखें जिन्हें हमेशा सीखना चाहते थे। यदि आप इन प्रिंसिपल्स का पालन, आशा है आपको ये द फर्स्ट 20 आवर्स बुक समरी पसंद आई होगी। पूरी जानकारी के लिए इस बुक जरूर पढ़े। बहुत ही आसान शब्दों में कई महत्वपूर्ण बातों को समझाया गया है जिसे जानना जरूरी है।
अगर आपको यह बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ रहें हिंदी बुक वाणी चैनल के साथ।